भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन। आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। सर, ये आज भारत के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स भारत के लोगों के मदद से जिन्होंने ट्रायल्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब भारत कोविड के खिलाफ जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। हर जगह पे 100-100 लोगों को वैक्सीन लगेगा, 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते रहें। लोगों से आपने मुलाकात की जिन्होंने वैक्सीन लिया, क्या उनका फीडबैक था? सब लोग बहुत खुश हैं, मैं उनसे सबसे मिल के आया, सब लोग बहुत खुश हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर, उस नंबर बढ़ाने की भी चांसेस हैं? जरूर बढ़ाएंगे, अभी 81 जगहों पे शुरू किया है, कुछ दिन के बाद इसको 125 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी हम 1000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार हैं।